कक्षा छह के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम बात करेंगे पाठ अपनी संख्याओं की जानकारी। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बड़ी संख्याओं को पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम बड़ी संख्याओं को भारतीय पद्धति से कैसे पढ़ते हैं, इस पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ने का क्रम होता है इकाई, जिसमें एक ही अंक आता है, दहाई, जिसमें भी एक ही अंक आता है, और सैकड़ा में भी एक ही अंक आता है। लेकिन यहाँ हजार में तीन अंक आते हैं। जैसे हमारे भारतीय पद्धति में हजार में सिर्फ दो अंक आते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार में तीन अंक आते हैं, और हजार के बाद होता है मिलियन, यानी मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो मिलियन में भी यहाँ तीन अंक आते हैं, और जहाँ एक हजार मिलियन मिलकर एक बिलियन बनाते हैं, और यहाँ बिलियन में भी तीन अंक आते हैं। इसे आप आसानी से समझोगे जब हम एक उदाहरण लेंगे। हमें एक बड़ी संख्या है जो है 7474252, इस संख्या को हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लिखना है। तो इसे हम दाएं से बाएं प्रारंभ करेंगे, यानी इकाई का अंक दो आएगा यहां पर, उसके बाद पांच जो दाई में आएगा, छह पुनः दो, चार सात, उसके बाद चार और सात, यानी कि इस प्रकार हम इस अंक को लिख सकते हैं। अब हम इस संख्या को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम इसे बाएं से दाएं की ओर को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम कहेंगे 74,742,652। अब इसमें कॉमा किस प्रकार लगते हैं? इसमें कॉमा तीन के क्रम में लगते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद दूसरा, उसके बाद अगले तीन, यानी तीन अंकों के बाद अगला कॉमा आएगा, उसके तीन अंक के बाद अगला कॉमा आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ दो ही अंक है, इसलिए हमें यहाँ कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम इस अंक को लिखेंगे 74,742,652। इस प्रकार हमने इस संख्या को लिखा 74,742,652। अब इसी उदाहरण को और स्पष्ट करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को और स्पष्ट करने के लिए, हम एक दूसरी संख्या लेते हैं। अब हमने अगली संख्या ली है 4875672502। इसको हम इकाई के अंक के क्रम में इसी खाने में लिखेंगे जो हमने इस प्रकार लिखा 205276578 और 4। अब इसे अब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यह चार किस आया है बिलियन में, तो इसे हम पढ़ेंगे 4 बिलियन। अब 875 आया है मिलियन में, तो 875,672,502। अब हम इसे लिखने का प्रयास करेंगे। जो अब हमें यह संख्या प्राप्त हुई जो थी 4,875,672,502। इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हम प्रश्नों को या बड़ी संख्याओं को हम शब्दों में लिखते हैं। इसके बाद के दो प्रश्न 6, 7, 8, 5, 0, 7, 8, 2, 7 और 7, 5, 4, 9, 5, 9, 6, 2, 4, इन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इन अंकों को आप शब्दों में स्वयं लिखेंगे। इसके बाद हम इसी पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो पीछे बैठ के अब हम लेंगे दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना। यदि हमें कुछ अंक दिए हो, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है 2, 5, 7, 9, 8 व 6, हमें इन अंकों का प्रयोग करना है, और कुल अंक 6 अंक हैं, तो हमें 6 अंकों की संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? इन अंकों को हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, यानी 2, 5, 7, 9, 8 और 6 में सबसे बड़ी संख्या है 9। तो जब सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है, तो सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद 9 के बाद एकदम छोटी संख्या है 8, 8 के बाद एकदम छोटी संख्या है 7, पुनः 6, 5 और 2। यदि हम इसमें कॉमा का प्रयोग करें
तो ये संख्या भारतीय पद्धति के अनुसार ये संख्या पड़ी जाएगी 987,652। यदि हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो हम इसी विधि का उल्टा कर देते। उल्टा का अर्थ है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, पुनः उससे बड़ी, फिर बड़ी संख्या के एक क्रम से नहीं इसे हम लिखते जाएंगे। तो अब संख्या आई 256,789। इस प्रकार हम दिए गए अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जिसमें संख्याएं दी है 7, 5, 7, 0, 9, 8 व 6 का उपयोग करके सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। इसमें एक संख्या हमारे पास शून्य आ चुकी है। जब हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या लिखना तो आसान है। सबसे बड़े अंक यहाँ 9 सबसे बड़ा है, 9 के बाद 8, 7, 6, 5 और 0। अब यदि हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या में हमने कहा था कि सबसे छोटे अंक को हम सबसे पहले लिखते हैं। यदि हम शून्य को सबसे पहले लिखें, क्योंकि शून्य यहाँ सबसे छोटा अंक है, शून्य को अगर हम सबसे पहले लिख देंगे तो यह संख्या 6 अंक की न रह के 5 अंक की हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, शून्य के बाद का इसकी संख्या क्या है वो 5 है। हमने 5 लिखा, 5 के बाद फिर हम शून्य लिख देंगे। अब हम इस 5 के बाद की संख्याओं को हम क्रम में लिखना शुरू करेंगे, जो आएगा छोटे से बड़े की ओर को, जो आएगा 6, 7, 8 व 9। यह संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें आई थी 987,650 और सबसे छोटी संख्या होगी 506,789। इस प्रकार हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, जो प्रश्न आप करेंगे आपको 7, 9, 8, 5 व 0 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं स्वयं करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।